नमस्कार दोस्तों, पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए सिपाही लॉन्च नायक कुलवंत सिंह और सिपाही सेवक सिंह का शनिवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार शहीद के मोगा स्थित पैतृक गांव चांडिका में किया गया। शहीद को उनके 3 महीने के बेटे ने मुखाग्नि दी। इस दौरान गांव के युवाओं ने शहीद जवान अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान काफी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने उमड़े। इससे पहले 50 से युवा बाइक पर तिरंगा झंडा पकड़े शहीद की पार्थिव देह के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सेना की गाड़ी कुलवंत सिंह का पार्थिव शरीर लेकर पहुंची, बाइकों पर सवार नौजवानों ने शहीद अमर रहे के जयकारे लगाए। इसी आतंकी हमले में शहीद भटिंडा के सेवक सिंह शनिवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। शहीद का अंतिम संस्कार तालवांडी साबो में उनके पैतृक गांव बागा में किया गया। बता दें कि इस दौरान गांव में सेवक सिंह अमर रहे के नारे गूंजे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और आर्मी के जवान मौजूद रहे। वहीं शहीद को अंतिम विदाई देने बड़ी संख्या में क्षेत्र के कई गणमान्य लोग पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए जवान हरिकृष्ण सिंह का शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद को उनके पैतृक गांव में गुरदासपुर के गांव तालवंडी के उनकी 1.5 साल की बेटी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान शहीद की माता ने कहा कि उन्हें अपने बेटी की सेहत पर फख्र है, उनके देश के खातिर अपना बलिदान दिया। शहीद हरिकृष्ण सिंह 49 राष्ट्रीय राइफल बटालियन में तैनात थे। वह 6 साल पहले 2017 में आर्मी में भर्ती हुए थे। हरिकृष्ण सिंह की शादी लगभग 3 साल पहले दलजीत कौर से हुई थी। उनकी 1.5 साल की बेटी भी है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानियों का उनके पैतृक गांव में दाह संस्कार कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 20 अप्रैल को दोपहर 3:15 के करीब आतंकवादियों ने जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे से गुजर रहे सेना के ट्रक पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने बारिश और विजिबिलिटी की आड़ में पहले फायरिंग की, उसके बाद ग्रेनेड से हमला कर दिया। इससे ट्रक में आग लग गई। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए जबकि 1 घायल है। शहीद जवानों में हवलदार मनदीप सिंह, कुलवंत सिंह, हरिकृष्ण सिंह, सिपाही सेवक सिंह शामिल है। ये सभी जवान पंजाब के रहने वाले थे। वहीं उड़ीसा के देवाशीष भी इस आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर जवानों की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूर्य चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को 1 लाइक, 1 शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।